हेलो गाइस, मैं आज बनाने जा रही हूँ राजमा। और राजमा मैं किस स्टाइल में बनाने जा रही हूँ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये मैंने राजमा को रात भर भिगो के रखा है और मैं अब इनको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। और मैं बताऊंगी आपको क्या क्या डालूंगी। सबसे पहले मैं राजमा के अंदर एक लहसुन की फुत्ती डालूंगी। उसके बाद मैं कम से कम 2 या 3 गांठ प्याज डालूंगी। इसमें छोटी होंगी तो 3, बड़ी होंगी तो 2। और एक टमाटो है मेरे पास तो एक ही टमाटो डालूंगी। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्ते, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं हूँ रिंकी यूपी ब्लॉग आगरा से, और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 12 बजे, 12:15 बजे, नहीं, 12:15 हो रहा है, मैं उल्टा देख रही हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उससे ना आपको मेरे चैनल की पूरी नोटिफिकेशन मिलेगी। और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। और आजकल मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, तो मैं लगी हुई हूँ कि मैं थोड़ा सा वेट लूज़ कर लूँ, बट हो नहीं रहा है। पर कोई नहीं, करूँगी, एक दिन तो होगा। अभी नहीं दिखेगा, एक दिन दिखेगा। तो चलिए, मैं आज राजमा और शायद चावल भी बनाऊँगा उसके साथ। तो देखती हूँ, मैं धीरे धीरे अपना खाना बनाऊँगी क्योंकि अभी भूख लगी नहीं है। तो आराम से मुझे 1-2 घंटा तो लगेगा लगेगा। तो सब तो साथ में काम भी करते हैं और अपना खाना भी बनाते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग में और वॉच माई ब्लॉग। चलिए तो मैं तैयारी तो स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए ध्यान से, मैंने इसमें एक बड़ी इलायची, बस एक है, 4-5 काली मिर्च डली हुई हैं, 2 प्याज डाली हैं, 1 लहसुन की फुती डाली है, और नमक डाला है। और कुछ नहीं डालने वाली क्योंकि ये रात भर भिगो के रखे थे, खाना सोडा बेकिंग पाउडर कुछ नहीं डालने वाली। और सीटी लगाने वाली हूँ, मेरे थोड़े से राजमा थे, मैंने पानी काफ़ी सारा डाल रखा है। तो चलिए इसको कुकर की सीटी लगाती हूँ, अब इसको रखती हूँ मैं गैस पर, ठीक है। बात ये है, ये मैं हाथ में लेके इसको शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरा ट्राईपॉड काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो गिर गया था एक बारी किसी के हाथ से, तो वो काम नहीं करता, वो गिर जाता है फ़ोन को लेके, वो इसका जो है बोझा सह नहीं पाता तो वो टपक जाता है। तो जिस दिन मुझे चांस मिलेगा या मेरे पास, खैर कोई नहीं, बाद में बात करते हैं। तो मैं ये चढ़ाने रखती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। पर मैं ट्राईपोड जैसे गर्म है, तो मैं आपको दिखा दूँ इसका क्या हाल है। अरे गर्म है बेटा, ये हाल है। तो मैं इन सबको अभी निकाल लेती हूँ बारी से, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ बेटू, घड़ी है शायद। हाँ, तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, क्योंकि मैं साथ में ना जीरा राइस भी बना रही हूँ। तो क्योंकि जब राजमा बनेंगे तो चावल तो चाहिए चाहिए। ये जो इसके स्टॉक और ये जो राजमा है वो मैंने निकाल लिए एक बर्तन में, ठीक है। और यहाँ जो प्याज थी और जो गार्लिक है, लहसुन, इनको मतलब निकाल के इसके मतलब जो छिलका है इसका फेंक दूंगी मैं। और ये जो प्याज है इसको मैश कर लूँगी हाथों से अच्छे से, पीसना नहीं है, हाथ से ही मैश हो जाएंगे, चम्मच से भी मैश हो जाएंगे। चलिए इसकी तैयारी बाद में दिखाती हूँ, सबसे पहले चावल में चढ़ा दूँ। चावल में सबसे पहले मैं ले लेती हूँ क्योंकि जीरा राइस बना रही हूँ तो जीरा ही डालूंगी, थोड़ा सा जीरा ले लिया है मैंने। अब इसी में मैं थोड़ा सा डब्बा, पता नहीं कैसे बंद हो गया, तो इसमें मैंने ये डाल दिया। और इसका वो मुझे इतना नहीं मतलब चलाना है, ये सोख किए हुए चावल हैं, सो ये गले हुए पानी में ऑलरेडी रह चुके हैं 15 मिनट, तो मैं इनको चढ़ा देती हूँ। हटो हटो, बाहर बैठो बेटा, गर्मी नहीं लग रही। अब इसमें एक फलाई आ जाए, उसके बाद मैं इसका ढक्कन लगाऊंगी, भी नहीं। चलिए इसको रखती हूँ इस पर। इसमें भी मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ही डालूंगी, मैं तेल में नहीं बना रही, मैं रिफाइंड ऑयल में ही बना रही हूँ। राजमा भी इस तरीके से बनाएं, आपके राजमा वाकई में बहुत टेस्टी बनेंगे, बिल्कुल। मैं इसी का उपयोग कर रही हूँ,
एक से दो चम्मच, बस 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 बहुत है, इतना चलेगा मुझे बस। बस नहीं बटू, वो राइस है अभी पके नहीं है, पकेंगे पके नहीं है, पकेंगे राइस है। लेप डाल दे रही हूँ बस, जीरा डाल दिया, अब इसी में थोड़ी सी हींग भी डाल दूंगी, कम से कम ज़्यादा सी हींग डालूंगी मैं, क्योंकि ये ज़्यादा होती है इसलिए। सो मेरे पास हरी मिर्च बिल्कुल भी नहीं है, जो भी है वो यही है। अब इसको मैं कांटे वाली चम्मच से मैं करने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैं इसको ठंडा हो गया है बहुत ही आराम, ये देखो ये मैश हो गया है मेरा, पेस्ट पे थोड़ा सा आगे भी चम्मच में लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं डाल दूंगी, पर उससे पहले मैं टमाटर कट कर लूँ और मैं पेस्ट ला रही हूँ। ये सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी में लाई हूँ आधी चम्मच, क्योंकि राजमा थोड़े से हैं इसलिए। पर मैं अभी इस तरीके से अगर आप राजमा बनाएंगे तो यकीन मानिए बहुत ही हम बनते हैं, और इसके अलावा छोले भी ऐसे बनाए तो वो भी हम बनते हैं। नहीं विश्वास से हम ऐड करेंगे नमक, ध्यान रखिए कि इसकी स्टॉक में नमक है राजमा की, में तो थोड़ा सा ही मैं नमक लेने वाली हूँ, बस थोड़ा सा। अभी भी तो मैं थोड़ा सा ऐड में पानी भी कर दूंगी, मैं यही करी, मैंने प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला इसमें, आपने देख प्याज मैंने कौन सी डाली है, धनिया पाउडर, और यहीं पर आप, मैं ये मिर्ची नहीं डालने वाली, मैं आपको बता दूं आजकल मैं ये मिर्ची यूज कर रही हूँ तो मैं यही डालूंगी, मैंने डाल दी। क्या कौन सा आपका दे दूँ? अच्छा ये वाला खा लिया, जूस जूस दे दूँ, पी लेना तू, ये ले ऐसा मैश कर दूंगी मैं, मैश कर दिए हैं, बैटर है बस इसमें ना थोड़ा सा नमक लग रहा है, थोड़ा लग रहा है बस मामूली, मिर्च भी ठीक है तो इसमें थोड़ा सा पानी बढ़ा दूंगी मैं, इसको खदकने दूंगी फिर कम होगा, फिर उसके बाद टेस्ट में इसमें खलाई आई है, मैं इसको इस पर रखती हूँ, चेंज करती हूँ दोनों की, इनको पकने के बाद मैं मिलती हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसका जो है वो पानी है वो कम हो गया है, और ये देखो ये इसमें कितने बड़े बड़े बन रहे हैं ये राइस, मैं इसमें जल्दी जल्दी सीटी लगा लेती हूँ। चलिए मिलती हूँ खाना बनने के बाद, बाद में। मेरी प्लेट लग गई है, सो ये रहे राजमा, ये रहे राइस, ये रही रोटी, और ये मम्मी की प्लेट है, मैं नीचे देके आ रही हूँ, वो ये वाली प्लेट में खाना पसंद नहीं करती, वो स्टील वाली में ही खाना पसंद करती है, तो मैंने देके आ रही हूँ।